भारतीय कार बाजार में जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है उसमें एक नए खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है और ये बहुत जल्द होने वाला है। लंबे समय से जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है हुंडई, उसकी आने वाली छोटी एसयूवी को लेकर के हम बातें करते आ रहे हैं, जिसे पहले हम कैस्पर के नाम से या फिर उसके बाद जो इसका कोड नेम था AI3 उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित थे। पर आखिरकार आज यानी शुक्रवार को हुंडई कार्स इंडिया ने अपनी नई आने वाली एसयूवी के नाम की घोषणा की है और अब ये जो कंपनी भारत में छोटी एसयूवी लॉन्च करेगी इसे एक्सेटर के नाम से लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो एसयूवी है लॉन्च होने के बाद निश्चित तौर से जो टाटा की पंच और अभी लॉन्च होगी मारुति, जो मारुति की फ्रॉक्स लॉन्च होने वाली है, इन दोनों के साथ इसकी कड़ी टक्कर होगी इस सेगमेंट में ये दो कारें। हालांकि टाटा पंच अभी बिक रही है और टॉप 10 में जगह बनाती है बिक्री के मामले में, फ्रॉक्स आने के बाद टाटा पंच को टक्कर मिलेगी पर ये जो एक्सेटर आएगी हुंडई की, उसके बाद से इस सेगमेंट में भी गर्मा गर्म तगड़ी जो टक्कर है या मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। हुंडई इस नई एसयूवी के साथ ही अपने व्हीकल लाइनअप को और जो है वो मजबूती देगी। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में आप जानते हैं जो सबसे सस्ती कार है एसयूवी की बात मैं कर रहा हूँ तो उसमें वेन्यू है और उससे लेकर के क्रेटा तक या फिर उससे भी ज़्यादा अल्काज़र और टक्सन जैसे मॉडल शामिल है। हुंडई एक्सेटर को कई बार अलग अलग मौक़ों पर टेस्टिंग के दौरान तो हम देख ही चुके हैं लेकिन अब तक इसके नाम की घोषणा नहीं हुई थी और पहले चर्चा थी कि कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में जो कैस्पर बिकती है दक्षिण कोरिया वगैरह में उसी के नाम के साथ भारत में लॉन्च करेगी। पर इन सभी तरह के अनुमानों पर अब विराम लग चुका है और कंपनी ने इसके नाम की घोषणा कर दी है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सीईओ है तरुण गर्ग, उन्होंने स्वयं कहा है कि हमें अपनी नई एसयूवी हुंडई एक्सेटर के नाम की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है जो स्मार्ट मोबिलिटी के साथ नए जनरेशन के खरीदारों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने साथ ही आगे ये भी बताया कि हुंडई एक्सेटर एक्चुअली बॉडी जो स्टाइल है उसके साथ लाइनअप में 8वां मॉडल है और हमें विश्वास है कि ये एसयूवी बिक्री को और भी बेहतर करने में हुंडई को मदद करेगी। फिलहाल अभी तक इस एसयूवी के बारे में आधिकारिक तौर पर ज़्यादा जानकारी उन्होंने साझा नहीं की है लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इसके बारे में जो भी सूचनाएं बाहर आई है उसके अनुसार इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा और जो हुंडई के अन्य मॉडलों में भी इस्तेमाल होता है। साथ ही ये जो इंजन होगा वो 82 BHP का पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन को 5-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की पूरी संभावना है। साथ ही इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3.8 मीटर या टाटा पंच के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स है जैसे जो आधुनिक फीचर हैं वो मिलेंगे। ये कार हुंडई की जो K1 प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड होगी और साथ ही साथ जिस पर ग्रैंड i10 नियोस को तैयार किया गया, आप जानते हैं बॉक्सी लुक और डिज़ाइन वाली ये जो नई एसयूवी है ये फीचर के मामले में वेन्यू को काफ़ी जो है वो टक्कर देगी ऐसा हम मान सकते हैं। तो हुंडई की ये जो नई एक्सेटर आने वाली है इसके बारे में जो भी लेटेस्ट खबर होगी, इसकी प्राइस 6 से 8 लाख के बीच में रहने की संभावना है, इसकी लॉन्चिंग अगस्त 2023 में होने की संभावना है, पर इसके बारे में जो भी लेटेस्ट खबर होगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।